आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है आप सभी का बचपन जो है वो चला गया, ठीक है। स्कूल लाइफ भी जो है वो आप सभी ने जी लिया, ठीक है। कॉलेज लाइफ भी जो है वो आप सभी का चला गया। अब आपका क्या टाइम है, अभी क्या टाइम चल रहा है अपने टैलेंट को प्रूफ करने का कि आपके अंदर कितना काबिलियत है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो अपने नाम के आगे एक चीज आप जोड़ लीजिएगा कि इसका आपको लोग बोलेंगे, आपको नहीं बोलना है, आपको लोग बोलेंगे कि वो बहुत नसीब वाला है। अगर आप अपने टैलेंट को प्रूफ कर दिए, अगर आप अपना 100% फोकस अपने मेहनत लगा दिए, अभी बस आप एक बार सोच लो ना, अभी जो भी जिंदगी जी रहे हैं, मेरे लिए जितना काम है सब बेकार का काम है, सिर्फ मेरा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे में मुझे कितने घंटे पढ़ना है ताकि मेरा फ्यूचर बन पाए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, मैं डेली जीके कितना पढ़ रहा हूं, मैथ कितना पढ़ रहा हूं, रीजनिंग कितना कर रहा हूं, अगर ये डेली आप सोचने लगे अभी, तो इसका मतलब क्या है, आप डेली अपने टैलेंट के ऊपर काम कर रहे हैं अपने क्षमता के अनुसार। और एक समय ऐसा आएगा 3-4 महीने मेहनत करने के बाद, पूरे कठिन परिश्रम करने के बाद आपका एक टाइम आएगा, आपको लोग पता है क्या बोलेंगे, वो बहुत नसीब वाला है, उसका लक बहुत साथ देता है यार। और जो ये चीज बोलते हैं ना, जो ये चीज बोलते हैं वो सही मायने में मेहनत नहीं करते हैं, वो थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं। वो करते क्या है, अभी उनको पता है ये टैलेंट प्रूफ करने का समय। एक बात बताओ, ऐसा कोई इंसान है धरती पर जो अपने बचपन को दोबारा वापस लेकर आ पाए? रोते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे, लेकिन बचपन वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जिंदगी का बहुत कड़वा सच्चाई है, एक बार अंदर से जीवन का सांस का डोर टूट गया तो टूट गया, यहां से चले गए मतलब चले गए, बाकी लोग रह जाएंगे, पेन रह जाएगा, डस्टर रह जाएगा, लैपटॉप कैमरा सब रह जाएगा, बस शरीर चला जाएगा। अगर ये एक बार चला गया तो अब कहां गए नहीं गए पता भी नहीं चलेगा, 10 दिन लोग जो है रोएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। तो आपको समझना है ना कि आप अभी मेहनत कर फ्यूचर में आप कितना मजा लेना चाहते हैं जीवन का, और वो मजा कब ले पाएंगे, जब आज आप मेहनत करेंगे। अभी आपको बस ये सोचना है कि मुझे कितने देर पढ़ना है, मुझे अपना टैलेंट कितना दिखाना है ताकि लोग मुझे बोले कि वो बहुत नसीब वाला है, वो बहुत लक वाला है, ये आपको सोचना है, ठीक है। कोई सोच कर नहीं बोलेगा, और जो बोलने वाला है वो कुछ नहीं करता है, वो 24 घंटे में क्या करता है, पढ़ाई भी करता है, खेलता भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी करता है, उसके बाद टिकटॉक भी चलाता है, फेसबुक भी, व्हाट्सएप भी, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर क्या मिलेगा, आपको सोचना पड़ेगा ना। ये जो पल है एक बार चला गया दोबारा नहीं आएगा आपके जीवन में, तो इस पल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये पल जो अभी आप जी रहे हो इसके ऊपर बाकी के जितने दिन बचे हैं हमारे जीवन में, यानी जितना दिन बच गया है हमारा फ्यूचर सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड है। तो क्यों ना 3-4 महीना कड़ा मेहनत कर ले, सोचना पड़ेगा ना। एक बात और सोचो आप सभी, बहुत ईमानदारी से, हो सकता है बहुत जन को मेरी बात खराब लगे, गाली दे, वीडियो डिसलाइक दे, लेकिन मैं सच्चाई बताता हूं जीवन का सभी कोई को, एक बात और सोचो मेरा, सभी कोई सोचना, ठीक है, बहुत ध्यान से। बहुत जन अगर इस बात को बहुत डीपली सोच पाए ना तो बहुत कुछ लाइफ में कर जाएंगे। एक बात सोचो, अगर आपके मम्मी पापा आपको ना पढ़ाए, मान लो आपके मम्मी पापा अगर आपको ना पढ़ाए तो फायदा किसका है, आपका कि उनका, सोचो 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 सोचो। बहुत जन अलग अलग तरीके से सोच रहे होंगे इस बात को, अगर आपके मम्मी पापा आपको ना पढ़ाए तो फायदा किसका है, उनका कि आपका, उनका फायदा है। क्यों भैया, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं नौकरी करोगे, उनके पास रहोगे, जाहिर सी बात है उनका सारा जिंदगी सेवा करोगे, कुछ ना कुछ कर ही लोगे, उनके पास रहोगे, जाहिर सी बात है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं कर, खेती करेंगे कुछ भी, या घर के अगल बगल कर लेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है, बाप को पता है अगर नहीं पढ़ाएंगे तो ये हमारे पास ही रहेगा, हमारा पूरा सेवा करेगा। लेकिन माँ बाप इस चीज को अलग रखकर सोचते हैं अपने बेटा चाहे बेटी को पढ़ाना है,
जबकि उनको पता है ये पढ़ लेगा, नौकरी लग जाएगा, बड़ा होगा, शादी होगा, कहीं दूर चला जाएगा, कहीं जॉब लग गया, ठीक है, कहीं जॉब लग गया, तो वो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ भी जो है वो साइड में रखकर आपको पढ़ा रहे सिर्फ आपके लिए, क्योंकि उनको 24 घंटा चिंता है कि हमारा उम्र हो चुका है, हमने अपना जिंदगी जी लिया, अब मेरे जो बेटा है चाहे बेटी है उनके साथ कुछ खराब ना हो, वो कुछ पढ़ ले ताकि उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो मेरे आंख बंद होने के बाद भी। तो हर पल हर एक मां बाप को आपका ही चिंता है बेटी के बारे में। भाई आज के डेट में बेटी लोगों के बारे में मां बाप सोच रहे हैं, अब बेटी लोग बहुत सोचती हैं, आज के डेट में तो बहुत सारा सोच बदल चुका है, लेकिन बहुत सारे लड़की ऐसी है कि आधा आधा एफर्ट डालकर पढ़ती हैं, पूरा एफर्ट नहीं, उनके माइंड में कहीं ना कहीं है पापा मम्मी शादी कर देंगे अच्छी जगह, वहां जाकर जिंदगी बिता लेंगे। यार आज के डेट में ना हस्बैंड अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा ये किसी को नहीं पता है, पति कैसा है, ससुराल वाला कैसा है, इसीलिए माँ बाप को चिंता है मेरी बेटी भी यार थोड़ा बहुत पढ़ लेगी ना, अपने पैर पर खड़ा हो जाएगी ना, तो कम से कम वो उसके ससुराल वाले कैसे भी हो वो अपना जिंदगी काट सकती है। तो माँ बाप हर एक पल आपके बारे में ही सोच रहा है, अपने बारे में नहीं, तो आप अपने माँ बाप के बारे में भी सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं नौकरी लग कर जो मेरे माँ बाप का सपना अधूरा रह गया है, हर एक माँ बाप का सपना अधूरा रह जाता है, आपका भी रहेगा, आप भी जब माँ बाप बनोगे ना तो आपका भी बहुत सारा सपना अधूरा रहने वाला है, पक्का है, और स्टार्टिंग डे में उस सपने को कहीं ना कहीं अपने बेटा बेटी के रूप में पूरा करते हुए देखोगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कि आप उस सपने को भी भूल जाओगे, बस ये सोचोगे कि मेरा बेटा बेटी कुछ कर ले, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मेरे माँ बाप का सपना अधूरा रह गया है, जो वो त्याग कर दिए हैं मेरे लिए, उनके सपने को पूरा कर कर हमें देना है, ये आपको सोचना पड़ेगा भाई, कोई सोचेगा नहीं आप सभी के लिए। एक बात बताओ आप सभी, नॉर्मल सा चीज, बहुत जन बोलते हैं भैया मेरा मैथ बहुत कमजोर है, मुझे मैथ समझ में नहीं आता है, मैथ समझ में नहीं आता ये प्रॉब्लम नहीं है, आप मैथ में टाइम देना नहीं चाहते हैं, और किसी का मन नहीं करता है पढ़ने का, लेकिन बहुत लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है यही पल है, अगर इसको अच्छे से जी लिए तो आगे चलकर मेरा एग्जाम निकल जाएगा, मेरा फ्यूचर बन जाएगा, मेरा फ्यूचर मतलब मेरे मम्मी पापा का, मेरा परिवार का बहुत सारा खुशी आएगा अगर कल पैसा आया तो, ये आपको सोचना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो। एक बात बताओ, बहुत जन बोलते भैया मेरा मैथ कमजोर है, आज के दिन ना शाम को 6 बजे, ज्यादा नहीं, आज शाम को 6 बजे ना एक वीडियो देंगे आपको, ठीक है, कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं ना, बहुत जन बोलते हैं भैया इस चैप्टर को ना एग्जाम में करने में बहुत टाइम लगता है और ये चैप्टर हमको समझ में नहीं आया आज तक, शाम को 6 बजे मेरा वीडियो देखना, और 2 मिनट वीडियो देखकर निकल गए, दिमाग तो बोलेगा चल 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 यहां से चल, यहां पढ़ाई हो रहा है, भाग भाग, दिमाग में ना अगर 5 लोग अंदर बैठे हैं ना तो 4 लोग बोलते हैं कि यहां से भाग, पढ़ाई से भाग, चलो मस्ती की तरफ चलते हैं, टिकटॉक है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, और सब चीज भी है, जहां तेरा मन लगेगा यहां पर मन नहीं लगेगा, लेकिन यहीं पर रहना है, क्योंकि वो जो है ना वो टेम्पररी खुशी है, वो 10 दिन की खुशी है, 1 साल की, उसके बाद सारा जिंदगी रोना है, लेकिन अगर यहां पर टिक गए अपने मन को मार कर भी ना, वो जो पल भर का खुशी है ना उसको बोले तुम साइड जा, हमको यहां पर रहने दे, हमको पढ़ने दे, क्योंकि तू जो है ना तू हमें 1 साल का खुशी देगा, लेकिन अगर आज ढंग से पढ़ाई कर लिए तो मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा पूरा फैमिली खुश रहेगा, वो भी सारा जिंदगी, तो ते पल भर का खुशी है। इस चीज को बोलना आसान है, अंदर से समझना करना बहुत मुश्किल है सभी के लिए, तो आपको करना पड़ेगा। एक बात में आप विश्वास मानना, शाम को 6 बजे एक क्लास देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप देखना इसी चैनल पर, ठीक है, फिर और हाँ 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देख के, नहीं 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 ऐसे नहीं, आप पूरा वीडियो देखना, ईमानदारी से नोट्स बनाना, और एग्जाम के टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं वो तरीका बताऊंगा आप सभी को, उसके बाद बोलना कि भैया मजा आया, भैया समझ में आया, इसका मतलब ये है भैया हम मेहनत करना नहीं चाह रहे थे, हमको जो है ना जो पल भर का खुशी है
वो हमको बार बार घिसता है। टिकटॉक चला, गर्लफ्रेंड के पीछे भाग, रो धो सैड सॉन्ग सुन, ये सब जो पल भर का खुशी है ना भैया, ये बहुत भारी पड़ता है। लेकिन इसको आपको कंट्रोल करना है। तुम हट, हमको यहीं पर रहने दे, हमको यहीं पर पढ़ना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। एक बात और सोचो, मैंने बहुत दिन पहले बताया था शाम को 6 बजे क्लास है, आप देखना पूरा 2 घंटे क्लास होगा, आप बोलना, नोट्स बनाना, बोलना भैया सीखे हैं, मजा आया है। एक बात समझो, 24 घंटे मैंने पहले ही बताया, 24 घंटे सभी के पास है, मेरे पास, आपके पास, अमीर के पास, गरीब के पास। रतन टाटा एक बात बोल कर गए, क्या बोले हैं, गरीब पैदा होना गलत बात नहीं है, वो बहुत सच्चाई बात है भाई, लेकिन गरीब में मर जाना ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है, आपने कुछ किया ही नहीं, आपने रोड पर घूम रहे हैं, आप रोड पर घूम रहे हैं, रोड पर मस्ती कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हाट्सएप टिकटॉक, दुनिया को झूठी दुनिया को झूठा खुशी दिखाने के लिए आप फेसबुक पर शेयर मारते हैं, अपना डीपी लगाते हैं। यार दुनिया खाक पूछेगा, कुछ नहीं देखेगा, आपसे जलता है दुनिया। लेकिन अगर कल आप पढ़ लोगे ना, एग्जाम निकल जाएगा, वही दुनिया आपके सामने आकर तारीफ करेगा, सच्चाई है, और वो होता है रियल खुशी। ये तो भाई झूठा खुशी है, फ्रॉड खुशी है, और इसके पीछे पागल हो आप, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। एक बात समझो, पहले भी समझाए, 24 घंटा सभी के पास है, सभी के पास। इसी 24 घंटा में कोई अपने नाम के आगे बोलता है, मैं बहुत बदनसीब हूं, मैं लकी नहीं हूं, मेरा किस्मत साथ नहीं देता है। अरे तुमने कुछ किया नहीं अपने किस्मत के लिए, अपने किस्मत के लिए तुमने कुछ किया नहीं भाई। जिसको बोल रहे हो ना बहुत नसीब वाला, जो बहुत किस्मत वाला है, वो रात दिन कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ किया है, तब वो अपने नाम के आगे नसीब वाला कहलाता है। नहीं भैया हम देखे, वो घूमता था, उसका नौकरी लग गया, खाक देखे हो आप, नहीं देखे आप, वो घर में पढ़ता है भाई, वो मेहनत किया है तब नौकरी लगा है, ठीक है, चीज को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। 24 घंटे आप सभी के पास हैं। मैं हमेशा आप सभी को मोटिवेट करता हूं, जिंदगी का सच्चाई बताते हैं ताकि आप कुछ करो। 24 घंटे आप सभी के पास है, पहले भी बताएं आज भी बताएं, 24 घंटा में मेरे साथ बोलो एक बार, अभी जो टाइम चल रहा है आपके मम्मी पापा खट रहे हैं, कितने खट रहे हैं, ताकि मेरा बच्चा अपने पैर पर खड़ा हो पाए। और आपके पास 24 घंटा है, आपके पास नहीं सभी के पास है, 24 घंटा में अपने भविष्य के लिए पढ़ाई पर कितना टाइम दे रहे हैं, सोचो। आप बोलेंगे 24 घंटा मैंने, भैया हम 10 घंटा सोते हैं, बहुत बढ़िया है भाई, आप 10 घंटा सोते हैं, सोने के लिए मां बाप पैदा किए हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा सोएगा, इसीलिए पैदा किए हैं, मां बाप को भी शर्म आएगा एक समय कैसा बेटा पैदा किए, समझ में आ रहा है। जो लड़की है मैं उनको भी बोल रहा हूं, आप भी समझिएगा मेरी बातों को, कि मां बाप के मन में कहीं ना कहीं डर है, ससुराल कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, मां बाप अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में ही करता है, लेकिन ससुराल कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, काश मेरी बेटी थोड़ा सा पढ़ लेना तो उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। उस समय अगर पति भी साथ नहीं दिया ना, और ससुराल वाला भी साथ नहीं दिया, तो बैठ के रोना यार हम पढ़ लेते ना तो क्या होता, बस यही बोलते रह जाएंगे, समय को वापस रोते रहना, चिल्लाते रहना, यही सब करते रहना, लेकिन वो समय वापस नहीं आएगा। फिर सारा जिंदगी यही बोलकर काट लीजिएगा कि मेरे नसीब में यही लिखा है। अरे नसीब में आपने लिखवा लिया, आपके नसीब में था नहीं, आपने नसीब में अपना लिखवा लिया अपने हाथों से, अपने जिंदगी का ना जो गला है ना अपने हाथों से आप घोट रहे हैं डेली का डेली। आप ये आपको समझना पड़ेगा, एक होता है कि अपने जिंदगी को संवारना अपने हाथों से, एक इंसान वो होता है जो अपने जिंदगी का गला ना दिन पर दिन घोटता चला जा रहा है, 24 घंटे को बर्बाद कर रहा है। कैसे कर रहा है देखो, 24 घंटे में 10 घंटे भैया हम सो रहे हैं, 10 घंटे सो रहे हो, चलो 10 घंटे सो रहे हो, पढ़ाई कितने घंटे कर रहे हैं भैया, 4-5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा मतलब अगर 4 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी 20 घंटे आप कहीं ना कहीं सोकर धोकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टिकटॉक फिकटॉक जो पल भर का खुशी है उसके पीछे बर्बाद कर रहे हैं, यानी 20 घंटा 4 घंटा भी पढ़ोगे तो जिंदगी बन जाएगा, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं 20 घंटा भी अगर बर्बाद कर रहे हैं एक दिन का, महीने में ना भैया क्या बात कर रहे हैं, 30 into 20 कितना होता है भैया,
30x20, अरे भैया 600 घंटा, 600 घंटा भैया महीने का बर्बाद कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी, मुझे भैया शाबाशी दीजिए, महीने का 600 घंटा बर्बाद कर दे रहे हैं। क्या बात है भाई, साल भर का, अरे भैया साल भर का 12 से गुना करो, 7200 घंटा हम बर्बाद कर दे रहे हैं साल भर का, साल भर का 7200 घंटा। क्या बात कर रहे हैं, अरे बिल्कुल भैया 7200 घंटा साल भर का हम बर्बाद कर रहे हैं। कितना दिन बर्बाद कर रहे हैं देख रहे हैं, कितना दिन बर्बाद कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, 200 से ज्यादा दिन, 300 लगभग आप बर्बाद कर रहे हो एक साल में। मां बाप बड़ा किया है, पाल पोस कर, कुछ उम्मीद है कि मेरा बेटा कुछ करेगा, कब करेगा, जब आप जन्म, जब आपका जन्म हुआ होगा पापा कितने खुश होंगे, मेरा बेटा हुआ है, मेरा बेटा हुआ है, मेरी बेटी हुई है, बर्थडे मनाएंगे, केक काटेंगे। आज वही बेटा बहुत दर्द दे रहा है उल्टा अपने मां बाप को, क्यों, किस लिए? कल आपका बेटा करेगा तो खराब लगेगा, मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा आप तो अपने टाइम में बहुत अच्छा कुछ किए थे, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, आप सभी को पढ़ो, बहुत टाइम है अभी भी आपके सामने, नहीं पढ़ेंगे किसी का कुछ नहीं जाएगा, अपने साथ साथ अपने परिवार को भी आप डुबाओगे भाई, सच्चाई बता रहे हैं, जीवन की सच्चाई। रात को जब मेहनत करना स्टार्ट करोगे ना, जगोगे ना रात को, जब अकेले लड़ेंगे ना, खुद से लड़ेंगे ना, तो जिंदगी का बहुत सच्चाई दिखाई देगा। भीड़ में तो कुछ समझ में नहीं आता है। एक बात बताओ भाई, यहां पर देखो एक डायग्राम, मान लो ये भीड़ है, ये क्या है, ये बोर्ड पर क्या लिखे हैं, ये भीड़ है, आप इस भीड़ में खो गए हैं, जरा सा मेहनत, जरा सा लगन अभी का आपको इस भीड़ से अलग कर एक अलग पहचान दे सकता है, समझ रहे, जरा सा मेहनत भैया कल से करेंगे, परसों से करेंगे, 2020 में जनवरी बीत गया, क्या किए, कुछ नहीं किए, अभी भी मां बाप को ही चिंता है, मेरा बेटा का नौकरी लगेगा नहीं लगेगा, मां बाप को ही चिंता है, मेरी बेटी कुछ करेगी नहीं करेगी, मां बाप कब तक करेगा भाई, बड़ा कर दिया, पाल पोस दिया, आपको पढ़ा दिया, मां बाप क्या क्या करेगा, कुछ करना है कि नहीं उनके लिए। यहां पर कितने मेरे भाई बहन है जो 24, 25, 26 साल के, कोई फक्र से बोल सकता है कि भाई भैया मैंने अपने पापा का ना कंधे का बोझ जो है ना वो अपने ऊपर उठा लिया है, कोई बोल सकता है? आपका भी तो मन करता होगा ना कि पापा का सारा कंधा का बोझ अपने ऊपर उठा ले, ताकि मेरे पापा प्राउड फील करे। पापा का कंधा का बोझ बहुत भारी है भाई, बहुत भारी है, आपको नहीं समझ में आएगा, एक बाप का दर्द किसी को समझ में नहीं आएगा, मां का दर्द सभी समझ लेते हैं, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरे यार पापा का दर्द कितना है ना, उसके कंधा पर कितना बोझ है, ये कोई नहीं समझ सकता है। जिस दिन आप बाप बन जाओगे ना, उस दिन समझ में आएगा यार कि कंधा का बोझ कितना है। तो आप बड़े हो चुके हैं, अब उस बोझ को उठाकर अपने कंधे पर रखिए। भैया कैसे रखे, पढ़ाई करो, 3-4 महीना पढ़ाई करो, लगा दो स्ट्रैटेजी, एक वीडियो नहीं 100 वीडियो दी आपको स्ट्रैटेजी, लगाओ मेहनत, करो मेहनत, एक स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मेहनत करने वाले देख लेना कि आपको मेहनत करना है कि नहीं करना है, आपको सोचना है भाई क्या करना है, बहुत टाइम हो गया। ऐसा भी नहीं है कि आप नए तैयारी कर रहे हैं, बहुत कुछ आप सीख चुके हो अभी भी, तो इतना तो आइडिया लग चुका है क्या करना है, अभी भी करो, देरी नहीं हुआ है, वरना समय चला जाएगा, रोते रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, बस 2-3 वर्ड कि मेरे नसीब में ये था, हम बदनसीब है, हम लकी नहीं है, यही सब बोलते बोलते जिंदगी काट लेंगे। और जब बाल बच्चा को ना अच्छा परवरिश नहीं मिलेगा ना, तब समझ में आएगा कि मेरा बेटा भी आज मेरे चलते रो रहा है, समझ रहे हैं? तो ऐसा काम कुछ मत करना जिससे आपके मम्मी पापा को खराब लगे, वरना कल आपका बेटा कुछ ऐसा करेगा ना तो आप बोलोगे मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा आप अपने मां बाप के साथ बहुत अच्छा किए, आज आपका बेटा कर रहा है तो आपको खराब लग रहा है, खराब लग रहा है ना, तो ये सब चीज आपको सोचना पड़ेगा अगर लाइफ में कुछ करना है तो। कंधे का बोझ, सुबह में 4 बजे सोते हैं, क्यों सोते हैं, क्यों सोते हैं, ताकि कुछ क्लास, एक्स्ट्रा क्लास आपको मिल पाए, समझ रहे हैं? अगर 1 क्लास 2 क्लास नहीं दे रात वाला तो क्या फर्क पड़ता है, पैसा मुझे ऐसे भी मिल रहा है,
अन अकेडमी पैसा मिल रहा है, एप्लीकेशन है, ये पैसा कमी नहीं है मेरे पास, क्या होगा? 10-12-20-25 हजार रुपया मेरा कम हो जाएगा, उससे मेरा क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी रात को जगते हैं, क्यों? ताकि जो मेहनत करते हैं ना, कुछ कुछ कमेंट्स आता ऐसा आता है कि भैया हम लोग आपके ऊपर डिपेंड है, हम लोग किसान घर से हैं भैया, पढ़ने का सुविधा नहीं है, ताकि उनको कमी ना हो पाए, इसीलिए जगते हैं ताकि उनको कमी ना हो पाए। जब दो दिन क्लास, कल आपका क्या था, कल नहीं परसों आपको हमने एक भी क्लास नहीं दिया, रात को बैठ कर ना रो रहे थे, ऐसा फील हो रहा था ना कि यार हम आज सारा दिन किए क्या। कितने बच्चे मेरे उम्मीद में होंगे भैया क्लास देंगे, रात को 11:30 बजे वाला करंट अफेयर, भैया एक भी क्लास नहीं दिए। और बहुत जन कमेंट्स कर रहे थे, जीतू भैया आप सही तो हो ना, आप ठीक से है ना, सब कमेंट्स कर रहे थे, जबकि मैं बहुत अच्छे से था, थोड़ा थकान था, बस रेस्ट कर लिए। लेकिन मुझे खराब लग रहा था कि लोग इतना उम्मीद लगाकर बैठे हम सारा दिन बर्बाद कर दिए, समझ रहे हैं? तो टाइम को समझो, फील करो, जब गलती का एहसास हो जाए उसके बाद ही सवेरा है भाई। लेकिन सवेरा मतलब ये भी नहीं कि बहुत देरी हो जाए, ऐसा भी नहीं, समझ रहे हैं? तो अभी से करना है, बाकी कुछ नहीं बोलूंगा, आप समझदार हो, आपको करना क्या है, एक वीडियो का स्ट्रैटेजी, वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 2-3 PDF भी आपको दे दिए, 1000-1000 क्वेश्चन का पढ़ो ना क्वेश्चन को डेली, वहां से 50-50 क्वेश्चन भी पढ़ते हैं तो महीना में 1500 क्वेश्चन होता है। जब आप बहुत सारा सेट खोलोगे ना तो बोलेंगे भैया बहुत सारा क्वेश्चन बनने लगा है जो पहले नहीं बन रहा था। क्यों बन रहा है? क्योंकि आप डेली 50 क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्ट किए, तो थोड़ा बहुत होना स्टार्ट हो गया है, उसके बाद दिमाग खुलने लगेगा। तो आपको कम से कम 2000 क्वेश्चन का PDF भी दे चुके हैं, डाउनलोड करके डेली 50 ही पढ़ो ना। हम कहां बोल रहे कि आपको डेली पूरा पढ़ना है, पूरा साल पढ़ा 2020, बहुत सारा एग्जाम आएगा, फॉर्म भी फिलअप करेंगे, माँ बाप पैसा भी देगा, लेकिन माँ बाप पैसा तो दे देगा लेकिन उसका यूटिलाइज कब करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा भाई, बाकी कुछ नहीं बोलेंगे, आप समझदार हो, ठीक है? सो मेरे जितने भी भाई बहन है, अपना ख्याल रखना, और हमेशा की तरह क्या बोलते हैं हम, अपने साथ साथ दो व्यक्ति, अपने मम्मी और पापा दोनों का ख्याल रखिएगा, ठीक है? और एक बात बोलूंगा, शाम को 6 बजे आपको क्लास मिलने वाला, लाजवाब क्लास, बहुत मेहनत की उस क्लास के लिए, ठीक है? चलो।